हम भगवा के सरिया थानी वाले हैं, झांसी की रानी मस्तानी वाले हैं। हम भगवा के सरिया थानी वाले हैं, हमको क्या मतलब इटली की मैडम से, हमको क्या मतलब इटली की मैडम से। अरे हम तो सास बहू ईरानी वाले हैं, हम तो सास आभा कि ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती, ये दुनिया लाख चाहे तो भी ऐसा कर नहीं सकती। जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती। बहुत टूटन है, बिखरन है, चुभन भी है, मगर जब तक गजल और गीत जिंदा है मोहब्बत मर नहीं सकती। शानदार गीत, शानदार गजल पढ़ने वाले भाई मोहन सिंह बिष्ट मुंतजर जी मंच पर आए, अपना काव्य पाठ करें। अभी यहाँ से कवि समय शुरू होने जा रहा है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, आपको अब अच्छा अच्छा लगेगा, है ना, सुनिएगा। अरे अब गलियों में और न दंगा देखोगे, ना आवारा कोई पतंगा देखोगे। गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर, गृह मंत्रालय से लाया हूँ एक खबर। अरे पाकिस्तान में जल्द तिरंगा देखोगे, पाकिस्तान। तालियां गंडोरे आपकी, क्या बात है, माफ करना, तालियां गंडोरे आपकी, बहुत आभार आपका। हम कभी जितनी ऊर्जा लगा रहा, यकीन मानेगा यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं। हम कवियों में से अगर कोई एक कवि नहीं आया होता तो उस कवि की जिम्मेदारी हम सब कवियों की होती, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जहाँ जितनी खाली कुर्सियाँ पड़ी है ना, उन खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। क्या बात है, ये लगना चाहिए कवि सम्मेलन में, ये रोहित राकेश का शहर है, है ना, ये किशन सरोज दादा का शहर है, वसीम बरेली साहब का शहर है, ऐसा लगे कि यहाँ कविता सुनने वाले लोग हैं। चार पंक्तियों का निवेदन करता हूँ। राजनीति में एक नारी शक्ति का वर्णन करता हूँ साहब, स्वागत है। उसकी भूमिका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको लगे यहाँ महिला शक्ति उपस्थिति रखती है, सुनिएगा। झांसी की रानी मस्तानी वाले हैं, हम भगवा के सरिया थानी वाले हैं, झांसी की रानी मस्तानी वाले हैं। हम भगवा के सरिया थानी वाले हैं, हमको क्या मतलब इटली की मैडम से, हमको क्या मतलब इटली की मैडम से। अरे हम तो सास बहू ईरानी वाले हैं, हम तो सास आभा। क्या बात है, वाह वाह वाह, धन्यवाद मोहन। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रोहित बैठा हुआ यहाँ पे, पीछे मध्यम भी बैठा हुआ, ये जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, जो आगे की पंक्ति में आदरणीय बैठे हुए हैं, तो कई कवियों ने उसमें व्यंग्य भी कसे, है ना। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूँ सब, एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ, क्या एंगल है एंटी रोमियो स्क्वाइट का, कितना बड़ा योगदान है समाज को सुधारने के लिए। अभी मोनिका दहली भी आई थी ना, आप उन्हें सुन रहे थे, वो आपको मोहब्बत के ख्वाब दिखा रही थी। यहाँ से मुझे 2 मिनट दे दो, मैं आपको मोहब्बत की सच्चाई बताता हूँ। क्या है उद्देश्य एंटी रोमियो स्क्वाइट का, सुनिएगा। तालियां लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में बजाइएगा अगर उद्देश्य सही हो। सुनिए नौजवानों, हो किधर, हाथ खड़े, कितने नौजवान है यहाँ पे, अरे चाचा ने भी हाथ खड़ा कर दिया, चलो यानी सब नौजवान है ना, सुनिए। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, क्या बात, क्या उद्देश्य है एंटी रोमियो स्क्वाड का। सूर्य बनो कुछ रातों का जुगनू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा, भवरे बनिए फूलों की खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद भगत सुखदेव बनो, अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहन, जिंदाबाद। परिवार की परिभाषा बताता हूँ साहब, सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म, ये सनातन उत्सव हम मना रहे हैं। आप इस पूरी मेला कमेटी को मैं बधाई देता हूँ कि ऐसे मेले आप करवाते हैं तब हमारा ये धर्म आगे बढ़ता है। क्या होता है साहब, परिवार की परिभाषा अगर किसी ने बताई है तो सनातन धर्म ने बताई है।
बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। क्या पंक्ति है भाई, जिंदाबाद। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। आहा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। क्या कहने हैं भाई मोहन। सल्यूट करता हूँ आप बरेली वालों, क्या सुनते हो आप, कसम से आप लोगों को तो निर्यात करना चाहिए। आसपास जहाँ कभी सम्मेलन हो आप सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए, है ना। एक बात आपसे और निवेदन कर दूं साहब, मैं अब यहाँ से मैं मोहन मुंतजिर, है ना, मैं यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट उर्फ मोहन मुंतजिर, है ना, आदरणीय अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में चार पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। साहब मैं उनके गांव के बगल वाले गांव से मैं भी हूं। जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अजय सिंह बिष्ट जी जवान हुए तो देशभक्ति में उलझ गए, और मैं और अमन नक्षर जब जवान हुए तो किसी की जुल्फों की पेचोखम में उलझ गए। आज अगर मोहब्बत नहीं की होती ना साहब तो क्या होते। चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ, यहाँ से मुझे शुरू करना, फिर गीत आपको सुनाऊंगा। सुना, स्वागत। ये अमन अक्षर को समर्पित कर देता हूँ मैं। सुना, स्वागत है। अरे राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। आहा, आहा। यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। क्या बात है। राजा होते पढ़ते लिखते कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था। क्या बात है। अरे भक्ति सियापति राम की करते चीफ मिनिस्टर बन जाते। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत जल्दी मैं गीत तक पहुंचना चाहता हूँ, है ना। मेरा मन है कि मैं एक बहुत जल्दी गीत तक पहुंचूं, लेकिन आपको एक जोरदार सा भी उत्सव हमने मना रखा है। क्या है हम लोग रोहित जी, क्या है हम लोग, ये दो बंके आदमी प्रताप फौजदार जी के चरणों में समर्पित करते हैं। स्वागत है। गीत आपको सुनाऊंगा, सुनिए। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। क्या है हम लोग रोहित जी। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। सागर में अपने धर्म का पैगाम लिख दिया। अरे पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। पत्थर पे वानरों ने श्री राम लिख दिया। परिभाषा देवताओं ने जो पूछी प्रेम की। 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 कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया। कान्हा ने राधिका का तभी नाम लिख दिया। मध्यम मध्यम हम लोग कौन है। हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र के मजदूर हैं साहब। एक काम सौंपा था उन्होंने हमें अयोध्या में, उस काम से खुश होके एक काम आपको और सौंपा है जी। ये शेर निवेदन करता हूं, उसके बाद मैं आपको गीत तक ले आता हूं, सुनिएगा। रोहित सुनो यार। खुश होके अयोध्या से प्रभु रामचंद्र ने। 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 अरे मथुरा भी भाजपाइयों के नाम लिख दिया। मथुरा भी भाजपाई। वाह भाई वाह, मोहन जिंदाबाद। We'll be right back.